नवादा जिला भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर के देखरेख में आज जिला कार्यालय में शुरू हुआ है। शिविर का उद्घाटन प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी शामिल हुए। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर जायसवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मोदी और नीतीश सरकार के क्रियाकलापों, देश के किसानों, मजदूरों, कमजोर वर्ग के लोगों, छात्रों, युवाओं और महिलाओं के विकास से संबंधित किए गए कार्यों के चर्चा के लोगों में जाकर करने की उन्होंने सलाह दी। शिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी भी नवादा पहुंचे। उन्होंने बिहार और झारखंड की चर्चा करते हुए कहा कि 17 साल पहले जब वो बिहार से झारखंड या झारखंड से बिहार आती है, पर दोनों प्रदेशों की सड़कों का तुलना करने पर बिहार की सड़कें उस समय चलने लायक नहीं थी, परंतु आज जब जमुई से नवादा आ रहे थे तब सड़कों को देखकर प्रसन्नता हुई। एक के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्राचीनतम काल से भारत में महिलाओं को सम्मान मिलता रहा है, उसी व्यवस्था को वर्तमान सरकार ने बनाने का काम किया है। जब तक आधी आबादी आगे बढ़ने का काम नहीं करेंगे तब तक समाज और देश कभी विकसित नहीं हो सकते। केंद्र के मोदी और राज्य के नीतीश सरकार महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले लाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, ताकि महिलाएं स्वावलंबी बने और अपने बच्चों, परिवार, समाज, राज्य और देश का विकास में भागीदारी निभा सके। है जो हमारा आधार है कि हम अर्धनागेश्वरी का, जो हमारी संस्कृति में अर्धनागेश्वरी माना जाता है महिलाओं को, तो जब तक आधे पुरुष आधी महिला अगर काम पे नहीं आएगी अपने घर बार देखते हुए, तो कैसे आगे बढ़ेगा। और आज यही कारण है कि हमारी महिलाएं देश में हर जगह, चाहे नल हो, थल हो, आकाश हो, सब में उड़ रही हैं। सवाल है मैडम, विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है आपके सरकार पे, क्या कुछ कहिए नया साल को? ऐसा नए साल में तो सबसे पहले मैं सबको बधाई दूंगी, आप सभी लोगों को, उनको भी बधाई, सभी बिहार वासियों को बधाई। लेकिन सवाल क्या उठेगा जब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास इतना हो रहा है कि लोग विकास में ही मग्न हैं, तो उनके पास मुद्दा नहीं है तो ऐसे उठाते रहेंगे। तेजस्वी की पत्नी भी अब उतर रही है जनता की बात नहीं है, जनता के पास हर आदमी आएगा। लेकिन जनता देखती है 15 साल बनाम अभी हमारा 16 साल चल रहा है, 16 बीत गया, 17वां साल चल रहा है। जितना विकास हुआ है, आज मैं वही सोच रही थी कि कभी हम लोग ऐसा क्या करते थे, आज से 16 साल पहले जब हम लोग झारखंड जाते थे, कहते थे आहा कितना सुंदर झारखंड का रोड है, और आज जब मैं जमुई से नवादा आ रही थी तो मैं कह रही थी आहा आज कितना बढ़िया हमारा बिहार का रोड है और झारखंड का रोड खराब था। तो सवाल, एक सवाल, आखिरी सवाल, तेजस्वी के लिए नवादा से क्या कुछ कहेंगे? ऐसे कुछ भी नहीं है, जब खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचने वाली स्थिति है, दूसरा कोई बात नहीं।